इनॉग्रेशन किया गया एक प्रोडक्शन हाउस का, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? सबसे पहले मेरा नाम बता दूं, शक्तिराज। और ये सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ये मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विनय जी को, और जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस प्रोडक्शन हाउस में जुड़ा। और इस प्रोडक्शन हाउस पे जस्ट नॉट एन एक्टर या फिर मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे इस प्रोडक्शन हाउस में दी गई है। और उसके वजह से मैं विकास जी, अंकुश जी, विनय जी और अभय जी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, और हमेशा इस प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा हूँ। और कोशिश यही है कि कोई अच्छी चीज़ें बने, और आप लोग, मैं चाहूँगा कि मीडिया लोग हैं तो मैं चाहूँगा इसको आप सपोर्ट करें, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा है कि कोई प्रोडक्शन हाउस खुला हुआ है। कोई भी लैंग्वेज की फिल्म हो, चाहे वो हिंदी, मराठी, भोजपुरी, दे आर गोइंग टू फाइनेंस ऑल्सो एंड प्रोड्यूस ऑल्सो। वेल विशेस फॉर आवर प्रोडक्शन हाउस टर्टल रॉक प्रोडक्शन। जी जी जी, क्या कारण? एक्चुअली आजकल आप देख रहे हो, हर न्यूज़ चैनल में देख रहे हो कि सुबह न्यूज़ खोलो तो लगता है कि ये किसान ने आत्महत्या किया, वो किसान ने आत्महत्या किया, ऐसा लग रहा है। तो हर जगह हम लोग वही मीडिया में देख के आत्महत्या के, थोड़ा सा आदमी टेंशन में आता है कि ये शेतकरी सिर्फ आत्महत्या के लिए बना हुआ है क्या? नहीं, लेकिन ये जो सब्जेक्ट हम लोगों ने चुना है, शेतकरी जागा हो, इट्स डिफरेंट। और जैसे कि मराठी की ऑडियंस आप लोग जानते हो कि वहाँ पर आप जब तक फैमिली एंटरटेनमेंट ना हो उस फिल्म में, तब तक फिल्में चलती नहीं है। तो डोंट वरी, ये डिफरेंट है, और वो उस टाइप का सब्जेक्ट नहीं होगा कि जहाँ पे शेतकरी मर रहा है और नेता लोग जा रहे, नहीं। इट्स अ टोटली कम्प्लीट। आपने नेता का जिक्र किया, जी, दिनों जो है बहुत से राज्य में किसान के कर्जे भी माफ किए जा रहे हैं, जी, तो कहीं ना कहीं मतलब जो है आपका? देखिए, हमारी यही भावना रही कि इस ये फिल्म बनने के बाद में मुझे पूरा यकीन है किसान आत्महत्या करना बंद कर देगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं तो इसीलिए शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि कंपनी खुली है तो बहुत आगे बढ़े, सक्सेस हो कंपनी, है ना, और सक्सेस होगी क्योंकि उन्होंने अच्छा शुरुआत किया है और इनके साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और अच्छे डायरेक्टर जुड़े हैं, तो एकदम 100% की कंपनी 100% आगे बढ़ेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पहले मैं एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम हेलेन फोंसेका है, मैं एक्ट्रेस हूँ, और मैंने 5 साल में 18 बिग बैनर फिल्म्स की हैं, सब बड़े टॉप स्टार्स के साथ। एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट किया है और एक स्पेनिश फिल्म किया नंदिता दास के साथ। मुझे अभी ही May 7th को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ऑफ दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड का ट्रॉफी मिला है, जो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। आज टर्टल रॉक प्रोडक्शन के इसमें मुझे इनवाइट किया, मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। ये चाहती हूँ कि आगे वो बहुत तरक्की करें, बहुत नाम कमाएं, एंड दे शुड रॉक, जैसे उनका नाम है टर्टल रॉक्स, आई होप दे रियली रॉक। एंड जैसे इन्होंने कहा है कि वो फाइनेंस देने वाले हैं, और जो गरजमंद एक्टर्स हैं, जैसे मैंने जो स्टडी करी है, देखा है कि सच्ची एक्टर्स लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं एक बड़ी उम्मीद लेकर कि हमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा भी रोल मिल जाए। जैसे मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मैम आपने इतना काम कर लिया, एक छोटा सा कहीं पे बस खड़े होने का एक काम दे दो, हम अपने आप को बहुत खुश नसीब समझेंगे। और मेरा दिल बहुत दुख जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि हम एज एन एक्टर हम कुछ नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली अभी टर्टल रॉक प्रोडक्शन खुला है, मैं इनका एडवर्टाइजमेंट मैं खुद करूँगी, हो सकता है मैं लोगों को यहाँ गाइड कर दूँगी, और टर्टल रॉक प्रोडक्शन के थ्रू उनको आगे काम मिलेगा, और उनकी भी जो अंदर की एक इच्छा रहती है एज एन एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो भी होगा बनने का, वो ज़रूर यहाँ से कामयाब होंगे। खाली वो ही नहीं, टर्टल रॉक प्रोडक्शन के साथ बाकी लोगों की भी उम्मीद जो कायम है वो भी ऊपर बढ़ेगी, वो भी मतलब आई थिंक दे विल ऑल रॉक। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अश्विन ठक्कर है, मैं राजेश खन्ना का 25 साल से मैं उसके साथ काम करता हूँ, आज भी मैं बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम करता हूँ, जीना तमाम, डिम्पल कापड़िया, पूनम ढीला, अतिथा पंचोरी, ये हेलन का भी काम नहीं देखता हूँ सर। और मैं भी चाहता हूँ कि इस प्रोडक्शन के अंदर अच्छे अच्छे एक्टर काम करें, लोग वो मैं काम लेके आके लोगों को काम दिलाऊँ यहाँ पे, और कई लोगों को सपोर्ट करूँ,
कई लोग की पिक्चर रुकी हुई है, कई लोग की प्रोडक्शन के अंदर पैसे की कमी है, तो उनको ये लोग सपोर्ट करे और ये रॉक एंड हुड की तरह आगे बढ़े और कामयाबी हो। थैंक यू।